आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। देखिए, रेकी हीलिंग में जब आप अट्यूनमेंट लेते हैं तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होता है आपकी लाइफ का, क्योंकि वो आपकी लाइफ का एक ग्रोइंग टाइम होता है। उस समय आप जुड़ रहे होते हैं डायरेक्ट प्राण ऊर्जा से, तो उस समय को आपको इंजॉय करना और बेटर तरीके से उन एनर्जीज को लेना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है कि जैसे मैं नॉर्मली अट्यूनमेंट देती हूँ तो 20 मिनट का टाइम देती हूँ, इतना टाइम लगता है अट्यूनमेंट में, कि आप बैठ जाइए, मेडिटेट कीजिए और मैं आपकी अट्यूनमेंट कर रही हूँ, यही प्रोसेस रहता है। तो कभी कभी कोई तो 20 मिनट में उठ जाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइम लेने का मन कर रहा है तो ज़्यादा टाइम लीजिए। अगर मैंने आपको 20 मिनट्स कहा है तो आप उसी टाइम उठ जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। वो जो एक अट्यूनमेंट का पल है ना, फर्स्ट अट्यूनमेंट जो आपकी होती है वो लाइफ में फर्स्ट टाइम आएगा। उसके बाद और भी अट्यूनमेंट्स होती हैं जब आप आगे के लेवल्स में जाते हैं, वो सभी इम्पॉर्टेंट होती है। जब आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं रेकी के लेवल्स में, आपकी अट्यूनमेंट का लेवल भी बढ़ जाता है, ऊर्जाओं का स्तर भी बढ़ जाता है। तो आप पहले तो एकदम प्रॉपर टाइम दीजिए, पानी पीजिए अट्यूनमेंट से पहले और रिलैक्स बैठिए, डिस्टर्बेंस हटाइए, वो जो एक मोमेंट है ना उसको इंजॉय कीजिए, उसका आनंद लीजिए। वो जो मेडिटेशन होगी ना वो अलग ही होगी, वो जो ध्यान होगा ना, क्योंकि उस समय आपने कोई जाप वगैरह नहीं करना है, एकदम अपने आप को आपने शांत रखना है। अपनी सांसों में आप ध्यान लगा सकते हैं, आप अपनी ऊर्जाओं पर ध्यान लगा सकते हैं, आपको सिर्फ अपने आप को स्थिर करना है। वो जो मोमेंट होता है ना जब आपके अंदर वो सकारात्मक प्राण ऊर्जा प्रवेश करती है आपके सहस्रार चक्र से अंदर, तो एक अलग ही अनुभूति होती है, ऊर्जाओं का अलग ही एहसास होता है। हाथों पे कंपन लग सकती है, कंधे पे लग सकता है, सिर पे भारीपन लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। बहुत ज़्यादा एक अलग ही एक्सपीरियंस होते हैं। आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, कभी कभी हाई मेडिटेशन में पहुंच जाते हैं, अलग अलग कलर्स दिखने लग जाते हैं आपको, आपके इष्ट के दर्शन हो जाते हैं, कभी कभी आप कहीं पहुंच जाते हैं, वो मोमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो मोमेंट बहुत ज़्यादा गहराई से समझने वाला होता है कि आप ऊर्जाओं से कहाँ और कैसे जुड़े। ज़्यादातर सबके साथ कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है, रेयर कोई इक्का दुक्का होता है व्यक्ति जो कहे कि मुझे कुछ नहीं हुआ, हाँ मेडिटेशन हुई बहुत अच्छी हुई, ये भी आप कहेंगे। कभी कभी आप कहेंगे नहीं मुझे कोई एक्सपीरियंस, लेकिन मेरी मेडिटेशन बहुत बढ़िया हुई, बड़ा सुकून मिला, बड़ी शांति मिली। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है ना, ज़्यादा बैठ जाइए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपको उसी समय होने वाला है, बाद में नहीं होगा। फिर आप दूसरी अट्यूनमेंट लेंगे, वो दूसरे लेवल का एक्सपीरियंस होगा। तो उस मोमेंट को वहाँ पे एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप डायरेक्टली एकदम आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत एंजॉय करते हैं। तभी मैं कहती हूँ जब आप अपनी सातों चक्रों की हीलिंग कर रही हैं, कोई मोबाइल पर बात नहीं कीजिए, कोई मोबाइल यूज़ नहीं कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, आप बस सिर्फ अपनी हीलिंग कीजिए, इंजॉय कीजिए उस सातों चक्रों की हीलिंग की मूवमेंट को, बहुत अच्छा लगता है। कुछ आपने और नहीं बोलना है, अपने आराम से उन चक्रों की ऊर्जाओं को देखना है, महसूस करना है, समझना है और अपने आप को ऊपर उठाना है, अपने आप से जुड़ना है। कितना आनंद आता है जब आप अपने आप से जुड़ते हैं, अपने चक्रों की उन ऊर्जाओं को महसूस करते हैं, उस हीट को महसूस करते हैं, अपने आसपास उन वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं, खुद के अंदर की वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। असली आनंद तभी होता है जब आप अपने आप को महसूस करते हैं, खुद को महसूस करते हैं तो अपने अंदर की अच्छाई और बहुत सारी बातों को भी महसूस करने लग जाते हैं। तो देखिए, अगर आप अट्यूनमेंट लेने वाले हैं तो आप जरूर उस मोमेंट को अच्छे से एंजॉय करें और उस मोमेंट की इम्पोर्टेंस को भी समझें। ऐसे ही मैं बहुत सारी वीडियोस रेकी हीलिंग, ज्योतिष, वास्तु, अंक शास्त्र, बहुत सारे विषय में लेकर के आती रहूँगी। अगर आपको इंटरेस्ट है इन सारे विषयों में, बहुत ही सरल भाषा में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दीजिए, और जो लोग रेगुलर देखते हैं मेरी वीडियोज़, जिन्हें अच्छी लगती है पहले लाइक करें उसके बाद वीडियो स्टार्ट करें।
कमेंट्स करिए, बहुत सारे आप मेरी यूट्यूब की फैमिली हैं, आप मुझे कमेंट करेंगे तभी मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ तो मुझे आपकी भी थोड़ी सी मेहनत चाहिए। ऐसे ही मुझसे जुड़े रहिए, मैं बहुत सारी वीडियोस के साथ आपके लिए आती रहूँगी, बहुत सारी नई इन सारी जानकारी के साथ। मैं रमा जोशी, प्रणाम।